दिस इज पीरियड नंबर 5 ऑफ 7th चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज. यहाँ पर स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 34 विल बी स्टार्टेड हियर. ये क्वेश्चन नंबर 34 देख लो, यहाँ पर पीरियड नंबर 5 चैप्टर नंबर 7 सीक्वेंस एंड सीरीज क्वेश्चन नंबर 34 के लिए है. 34 ABCRABP ABCRINAP है. AP PQRINHP PQRINHP है, राइट? HP हाँ, देख लो ABCRINAP एंड PQRINHP 34 क्वेश्चन नंबर 34 के लिए देखो. AP के लिए क्या है? टू बी इक्वल टू A प्लस C. और HP के लिए क्या है? HP यानी यू नो वेरी वेल, HP यानी व्हाट? ये देख लो, HP यानी क्या है? ये 1/P प्लस 1/R इक्वल टू 2/2 है. HP यानी 1/P, 1/Q, 1/R ये भी. तो फिर दोनों के लिए यू विल गेट वो फॉर्म में मिलेगा हमें. देख लो फिर क्यू इक्वल क्या होता है? ये क्या है? ये R प्लस P बाय PR इक्वल टू 2/2 है. देन हाँ क्या है यहाँ पर देख लो, क्यू इक्वल टू 2PR बाय P प्लस R है. इन दिस वे यहाँ पर हमें V ये V इक्वल क्या है? ये A प्लस C बाय 2 देख लो क्या है ये. हाँ देन V और Q मिला VQ. अब VQ के लिए यहाँ पर सॉल्व करो. हाँ क्या है देख लो, PQ डी स्क्वेयर और ये क्यू स्क्वेयर, बी स्क्वेयर इंटू क्यू स्क्वेयर. बी यानी वॉट? क्या है ये बी? देख लो बी बी ये देख लो क्या है? बीटा, बीटा वैल्यू. हाँ बी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, बी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर के लिए क्या है ये? बी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर के लिए देखो क्या है ये? AP इंटू क्या है ये? CR. AP इंटू CR ये है हमारा 3 नंबर. बाद में ये है 8 नंबर और ये है 2 नंबर है. बी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर के लिए ये हो गया क्यूवन. क्या ये बी का वैल्यू? ए प्लस सी बाय 2 उसका स्क्वेयर. क्यू के लिए 2PR बाय पी प्लस आर इसका होल स्क्वेयर इक्वल टू AC इंटू PR. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. क्या है देख लो, ए प्लस सी होल स्क्वेयर ये चार चार कैंसिल होता है ना. PR बाय क्या है? पी प्लस आर इसका स्क्वेयर. यहाँ पर AC ये PR, ये PR ये PR कैंसिल होता है. ये ए स्क्वेयर जो है यहाँ पर कैंसिल हो रहा है यानी PR. फिर क्या मिलता है यहाँ पर देख लो, ए प्लस सी ए प्लस सी होल स्क्वेयर बाय AC इक्वल टू क्या है ये? पी प्लस आर होल स्क्वेयर बाय PR है. हाँ देख लो फिर क्या होता है यार, क्या ये ए स्क्वेयर प्लस 2AC प्लस सी स्क्वेयर बाय AC पी स्क्वेयर प्लस 2PR प्लस आर स्क्वेयर बाय PR है. अब ये दोनों के लिए सिंप्लीफाई करो. क्या मिलता है यहाँ पर? ए स्क्वेयर बाय AC प्लस 2AC बाय AC प्लस सी स्क्वेयर बाय AC इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस 2PR प्लस आर स्क्वेयर है बाय PR. ये PR और ये PR है. क्या मिलता है? ए विल गेट कैंसल, ये पूरा कैंसल, ये सी कैंसल, ये पी कैंसल, ये PR कैंसल, ये आर कैंसल. फिर क्या मिलता है यहाँ पर देखो, क्या ये ए बाय सी प्लस 2 प्लस सी बाय ए इक्वल टू पी बाय क्या है? आर. और आर बाय पी है. ये दोनों कैंसल होता है. टू विल गेट कैंसल पी बाय आर. पी बाय आर प्लस आर बाय पी इक्वल टू ए बाय सी प्लस सी बाय ए. यानी ऑप्शन नंबर ये है फर्स्ट. ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लो. क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, क्वेश्चन नंबर 35
क्या है देख लो, क्वेश्चन नंबर 35 34 के बाद 35 के लिए आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लो, क्वेश्चन नंबर 35 देख लो, क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, क्वेश्चन नंबर 35 देख लो, इंसर्ट टू टर्म्स बिटवीन 3 एंड 24 सो दैट द 13 सीक्वेंस इन ए 2 और ए 24 इसके अंदर दो टर्म्स इंसर्ट करो। हाँ क्या है, सपोज यहाँ पर G1 और G2 ये 24 दो टर्म्स इंसर्ट करने के बाद यू विल गेट जीपी। ए के लिए कितना है 3 है, देन ए आर के लिए क्या है G1 है, ए आर का स्क्वायर यानी व्हाट G2 है, देन ए आर का 2 इक्वल कितना है 24 है। देख लो क्या है, हाँ क्या होता है, हाँ क्या मिल रहा है यहाँ पर, हाँ इसको यहाँ पर मिल रहा है 3 × r³ = 24 यानी ए डाटा आर का वैल्यू 2 है, आर के लिए 2 है, देन यहाँ पर देख लो ए है ए ए ए क्या है ए आर यानी G1 ना, G1 के लिए ए का 3 आर का 2 यानी 6 आ रहा, G2 के लिए ए का 3 2 का स्क्वायर 4 यानी 12 है, 6 12 है। ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, क्वेश्चन नंबर 36 देख लो क्या है, 36 इंसर्ट टू टर्म्स बिटवीन 1/4 एंड 1/4 और 1/13 ये दो टर्म्स के अंदर दो टर्म इंसर्ट कर दो, देन यू विल गेट HP यानी व्हाट 1/H1 और 1/H2 है, ऐसा दो टर्म्स इसमें है, आर इन HP आर इन HP है, देखो फिर HP के लिए है, फिर क्या होता है 4 H1 H2 H3 आर इन व्हाट AP reciprocals आर इन HP यानी नंबर्स यानी टर्म्स आर इन AP। देख लो फिर क्या मिलता है यहाँ पर, T1 के लिए क्या है 4 है, T2 के लिए T2 यानी व्हाट A+D क्या है H1 है, अभी ये T3 A+2D यानी H2, अभी ये T4 A+ क्या है, ये है मिनिमम ये 3D यानी कितना आता 13 है। हाँ फिर यहाँ पर A के लिए T4 देख लो, T4 यानी A यानी 4 + 3D = 13 3D = 9 D = 3 AD मिला, AD मिलने के बाद T2 A यानी A+D यानी व्हाट H1 क्या है, H1 A के लिए है हमारे पास 4 + D यानी 3 यानी 7, देन T2 यानी H2 ये 2 के बाद 3 यानी 4 + 2 × D यानी 3 इतना आता 10 आता यानी 7 और 10 यहाँ पर 7 और 10 यानी टर्म्स आर नॉट 1/7 and 1/10 है ना, HP यानी 1/7 and 1/10 ये है ऑप्शन नंबर A। देख लो दोस्तों 36 के लिए ऑप्शन नंबर A, देन 37 के लिए ऑप्शन नंबर 37 का क्वेश्चन नंबर 37 देख लो क्या है, 37 के लिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए देख लो, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 37 आफ्टर इंसर्टिंग एन टर्म्स बिटवीन 2 and 38 द सम ऑफ द रिजल्टिंग प्रोग्रेशन इज 200। 37 के लिए देख लो क्वेश्चन नंबर 37 आफ्टर इंसर्टिंग 37 के देखो इंसर्टिंग एन टर्म्स यानी क्या है, ये नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 37 के लिए
टू और ये 38, इसमें n टर्म्स हमें इंसर्ट करना है, यानी यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी यू विल गेट n प्लस टू, टू और 38 के बीच में n टर्म्स इंसर्ट करना है, n टर्म्स ऐड करना है, यानी यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस टू। देख लो, देन सम, सम यानी क्या होता है, ये सम यानी व्हाट, फिर क्या मिलता है, ये n टाइम्स है ना, सम इक्वल टू n टाइम्स a प्लस b बाय 2 है, सब इक्वल टू, सबका सम कितना है, ये 200 है, है यू विल गेट 200, फिर क्या मिलेगा यहाँ पर देख लो, n प्लस 2, ये 2 प्लस 38 बाय 2 इक्वल टू 200, फिर n प्लस 2 इक्वल टू ये 200 बाय 20 आता है, यानी कितना आ रहा, 10 आ रहा, यानी n इक्वल कितना है, ये n इक्वल टू 10 माइनस 2 यानी 1, यहाँ पर 8 टर्म्स आ, 8 टर्म्स इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पर 37 के लिए, 8 टर्म्स यानी सी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 38 हां, क्वेश्चन नंबर 38, एच वन एच टू है, एच वन एच टू आर टू एच एम्स बिटवीन ए एच वन एंड एच टू, टू एच एम्स बिटवीन ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 38 के लिए दोस्तों देख लो, 38 के लिए क्या है, ये टू टर्म्स इंसर्ट करने के बाद क्या है, ये द सम ऑफ, ये एसी प्रोटल्स के नहीं, एच वन एच टू ये दो, ये दो के अंदर एच वन एच टू दो है, ये दो टर्म्स है, देख लो क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, h1 h2 आर द एचएम्स ऑफ बिटवीन ए एंड बी, देन इसके लिए हमें सॉल्व करना है, देख लो एचएम का फार्मूला है हमारे पास, क्या है देख लो, हां देख लो, हां सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एचएम बिटवीन ए एंड बी इज n टाइम्स यानी n / 2 इक्वल टू 1 / a प्लस 1 / b है, देख लो सम ऑफ क्या है ये, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n एचएम बिटवीन ए एंड बी इज n टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ सिंगल एचएम बिटवीन देम, फिर क्या है देख लो, अब इसके बाद n इक्वल टू 2 है हमारे पास, यानी क्या मिलता है ये इक्वल टू 2 / 2 1 / a प्लस 1 / b है, फिर क्या मिलेगा ये a प्लस b / ab है, a प्लस b / ab है, ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 38, ए प्लस बी बाय ए बी यानी ऑप्शन नंबर है ये बी, सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन 38। देन 39 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 39
क्या है ये ए पी रेस टू एन प्लस बी ए रेस टू एन है। अब इसमें से हम क्या कर लेंगे, ये कॉमन लो, ए रेस टू एन कॉमन लो, ए रेस टू एन कॉमन लेने के बाद ए माइनस बी मिलेगा, प्लस यहाँ पर बी रेस टू एन कॉमन लो, बी माइनस ए मिलेगा, इसमें से इक्वल टू जीरो। क्या ये ए माइनस बी कॉमन लो, यानी ए रेस टू एन माइनस बी रेस टू एन इक्वल टू जीरो है। यहाँ पर ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए रेस टू एन माइनस बी रेस टू एन इक्वल टू जीरो, यानी क्या मिलता है ये देख लो आप, ये है हाँ। फिर इसमें से बी रेस टू एन कॉमन लेने के बाद ए बाय बी रेस टू क्या है ये एन माइनस वन है इक्वल टू जीरो है, ये जीरो तो फिर क्या आता है, ये जीरो आता है, यानी ए बाय बी रेस टू एन माइनस वन यानी इक्वल कितना था वन आता है, देख लो वन यानी वॉट रेस टू कितना था पावर जीरो आता, वन यानी वॉट जो भी टर्म है उसका पावर कितना होता है जीरो, यानी क्या है ये एन इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू जीरो यानी ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास एन इक्वल टू जीरो, एक बी क्या बी इक्वल टू जीरो है, बी इक्वल टू जीरो है, बी इक्वल टू जीरो और एन इक्वल टू ऑल्सो जीरो, बी इक्वल टू ऑल्सो जीरो, यानी ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन नंबर 39 देख, क्वेश्चन नंबर 40 भी दिया, क्वेश्चन नंबर 40 देख लो आप, आफ्टर 39 क्वेश्चन नंबर 40 जो भी है क्वेश्चन नंबर 40 सी देख केयरफुली क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 40 भी दिया, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, 1 3x 5x² है 7x³ है, वहां पर 9x यहाँ पर मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है, क्यूब है। nth टर्म ऑफ द सीरीज जो भी है वो है, nth टर्म ऑफ द सीरीज क्या है यार, ये देख लो 1 3 5 7 9 ये ए बी में है, एंड 1x x³ x^4 क्या है आर इन जी पी, यानी कंप्लीट सीक्वेंस इज इन ए जी है ना, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझता नहीं, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें यंत्र टर्म होना, यंत्र टर्म यानी और टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू ए इंटू वॉट आर एस टू ए इंटू आर एस टू एन माइनस वन है। हाँ देख लो क्या है ये इनके लिए, ये वन प्लस एन माइनस वन एन टू डी डी एन वॉट क्या है ये डी एन डिफरेंस टू ए एन वन आर आर यानी क्या है एक्स रेस टू एन माइनस वन इतना था। फिर देख लो ये क्या है वन प्लस टू एन माइनस टू इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन टू एन माइनस वन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन है। ये है क्वेश्चन नंबर 40 के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 40, ये है क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर सेकंड, देन क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आवाज क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 हाँ 1 2 बाय 3 3 बाय 9 देन 4 बाय क्या है 27 5 by 81 सेम यन सम टू इन्फिनिटी ऑफ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये क्या है 1 2 3 4 ये 5 AP में है, देन 1 1 by 3 1 by 9 1 by 27 क्या है इन जीपी है, देन कंबाइंड सीक्वेंस इज नोन एज अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हमें होना यहाँ पर अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए एस एन सम अप टू इन्फिनिटी इन्फाइनाइट ऑफ ए जीपी, एस एन का फॉर्मूला देख लो ए बी बाय 1 माइनस आर प्लस क्या ये डी डी आर बाय 1 माइनस आर का क्यूब सॉरी स्क्वेयर, क्या ये देख लो
यहाँ पर ए बी है, ए बी बाय वन माइनस आर, बी बी आर बाय वन माइनस आर का स्क्वायर। यहाँ पर देख लो क्या है, क्या ये वन ये ए बी के टर्म्स और ये छिपी के टर्म्स क्या है, ये एस एन के एस एन के लिए देख लो क्या है, वन इंटू वन दोनों ने ए बी वन है, ए बी वन है, ए वन बी वन, वन माइनस आर, आर यानी वन बाय थ्री, आर कितना है तीन आता, आर यानी वन बाय थ्री प्लस डी बी यानी डिफरेंस, डिफरेंस वन, ये क्या है वन टू थ्री, ए बी का डिफरेंस वन है, बीटा वन है और आर के लिए वन बाय थ्री है बाय वन माइनस आर यानी वन माइनस आर यानी वन बाय थ्री का क्या है स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 को सिंप्लीफाई करो क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 41 के लिए एसएन 3/2 प्लस कितना है ये 9 2/3 का स्क्वायर यानी 1/3 इनटू कितना आता 9/4 ये 3/3 है, फिर देख लो कितना ये 4 यानी 6 प्लस 3 यानी 9/4 ये है 9/4 ऑप्शन नंबर सी 41 के लिए 9/4 क्वेश्चन नंबर 41 9/4 यानी ऑप्शन नंबर सी। हाँ देख लो 42 के लिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए क्वेश्चन नंबर 42 हाँ 42 के लिए देखो क्या है, क्या है 42 हाँ सुनो वेरी वेल, आर इक्वल टू वन टू एन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस आर है सम ऑफ एन एन टर्म्स है, यू नो वेरी वेल सम ऑफ एन टर्म्स यानी और क्या है वन टू थ्री मालूम है फॉर्मूला, ये वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम यानी एन इंटू यू नो वेरी वेल वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन नॉर्मली है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, सिमिलरली ये आर है ये अप टू आर है यानी आर इंटू आर प्लस वन बाय टू, ये फॉर्मूला है हमारे सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, ये अप टू आर है यानी वॉट आर इंटू आर प्लस वन बाय टू। अब इसके लिए सिंप्लीफाई करो सॉल्व करो क्या आता देख लो क्या ये हाँ आर इक्वल टू वन टू एन क्या ये आर स्क्वेयर प्लस है वन बाय टू आर स्क्वेयर प्लस आर है वन बाय टू ये है आर इक्वल टू वन टू एन आर स्क्वेयर समेशन ऑफ आर इक्वल टू वन टू एन आर क्या ये वन बाय टू क्या ये एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स है ये है बाद में ये आर के लिए एन इंटू एन प्लस वन बाय टू क्या ये एन इंटू एन प्लस वन बाय टू इंटू टू फोर आता है टू एन प्लस वन बाय थ्री प्लस है कितना है फिर एन इंटू एन प्लस वन बाय फोर कितना था थ्री प्लस वन फोर टू एन प्लस फोर बाय थ्री फिर है यहाँ पर एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू कॉमन लो एन प्लस टू बाय ये ट्वेल्व ट्वेल्व यानी कितना था सिक्स आता नहीं एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाय सिक्स ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर देख लो सी हाँ ऑप्शन नंबर देखो क्या ये एन इंटू एन प्लस वन के लास्ट ऑप्शन है सॉरी लास्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 42 के लिए लास्ट ऑप्शन देख लो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए ये है लास्ट ऑप्शन देन क्वेश्चन नंबर 43 के लिए ये क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 42 के लिए है ये लास्ट ऑप्शन देन नेक्स्ट विल बी कंटिन्यूड इन योर नेक्स्ट पेपर।
देन क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आवा, क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 देख लो, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43 के लिए आवा, देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 42 और 43 दोनों में। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आप 1 + 3 + 5 अप टू n टर्म्स है, नीचे 2 + 4 + 6 अप टू n टर्म्स है, इक्वल टू क्या है ये 0.95 है, ऊपर है ऑड नंबर नीचे है इवन नंबर है ना, ऊपर ऑड और नीचे इवन, यू नो वेरी वेल इवन के लिए है, कैसा हो सकता है ये, क्या है ये इवन नंबर ऊपर इवन ये सॉरी ऑड नंबर, ऑड नंबर के लिए सम ऑफ ऑड नंबर यानी 2r - 1 बाय नीचे इवन नंबर यानी ऑड 2n है, समेशन ऑफ 2r, देख लो क्या है ये ऐसा लिख सकते हैं इसको आर, ये r इक्वल टू 1 to n, r इक्वल टू 1 to n इक्वल टू 0.95 है। फिर इसको एडजस्ट करो, क्या है ये 2 into r समेशन ऑफ r माइनस समेशन ऑफ 1 बाय 2 into क्या है समेशन ऑफ r, क्या हो सकता है इसके लिए 0.95 2 into r यानी व्हाट, n into n plus 1 by 2 माइनस r यानी n बाय है, r यानी व्हाट ये n आता 1 यानी n बाय 2 into क्या है n into n plus 1 by 2 है इक्वल टू 0.95, ये कैंसल हो रहा, देन क्या है ये देख लो ये अभी इसको ये n कॉमन ले लो n plus 1 है माइनस 1 by n into n plus 1 ये कैंसल हो रहा इक्वल टू 0.95 ये कैंसल है, क्या हो सकता है ये देख लो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा n by n plus 1 95 by 100.95 यानी व्हाट 100 n इक्वल टू 95 n plus 95 5 n इक्वल टू 95 फिर n इक्वल टू 5 1 5 9 यानी 19 5 1 5 9 यानी 19 ये है क्वेश्चन नंबर 43 19 यानी ऑप्शन नंबर सी। इन दिस वे यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 43 कंप्लीट किया है, इन द सेम वे यू ऑल्सो डू योर सेल्फ क्वेश्चन, देन नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी इन योर नेक्स्ट क्लास।